हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि MDRT अगले 3 महीनों के अंदर में हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी और हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ, और जब भी आपको ज़रूरत होती है कोई अलग सब्जेक्ट की, तभी भी बीच में आके एक हफ्ते के अंदर भी कभी जरूरत लगी तो इस तरह से एक दो वीडियो मैं आपको देता हूँ। हर सोमवार की वीडियो में बहुत सारे दोस्त ऐसे कमेंट करते हैं कि मुकेश भाई, आपको कैसे मालूम हमें ये टॉपिक की ज़रूरत थी। देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री में 25 साल हो गए, एज ए एजेंट करके भी और एज अ ट्रेनर करके भी। तो आज मुझे पता है कि एक इंश्योरेंस एजेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है और कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो देखिए, समय के हिसाब से मैंने पिछले टाइम भी आपको कहा था कि अगर आप ट्रेनिंग में मानते हो, अगर आप ये एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है यहाँ पर कि आपको कुछ नेगेटिव बातें मैं भेजूँ और सब लोग भर भर के लोग देखे, हमेशा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन कोई पॉजिटिव अगर आप बात करें तो मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव में अनेकों मेरे वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ क्या है तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना, लोगों को कैसे मिलना, कैसे बात करना, कैसे शुरुआत करना, किस तरह के प्रेजेंटेशंस देना, क्लोजिंग कैसे करना, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, अच्छा कैसे कमाया जा सकता है, पार्ट टाइम करके भी अगर आप अच्छा कमाना चाहते हो तो कैसे कमाया जा सकता है। बहुत अनेकों वीडियोस मैंने पिछले 7-8 साल से हर सोमवार को डालते आया। अगर वो ना देखी हो, एक नियम बनाओ कि हर सोमवार को तो मैं डाल रहा हूँ, वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ में आप रोज की एक वीडियो, कम से कम रोज की एक वीडियो आप जरूर चूज कीजिए और वो देखिए, राइट। अनेकों चीज़ें आपको वहाँ पर से जानने को मिलेगी। चलिए तो अभी बात करेंगे कि ये बचे हुए 3 महीनों के अंदर में हम MDRT कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी जो कमीशन के ऊपर थी, और उसके बाद में मैंने डिलीट मार दी क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए मैंने डाली थी। बहुतों के उसमें फीडबैक आए, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि मुकेश भाई, जो आप खुली चर्चा जो कर रहे हो कमीशन की, तो ये ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए। मेरा भी ये मानना है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक दिन के लिए वो वीडियो मैंने डाली थी। उसमें कुछ दोस्तों ने ये भी लिखा, अब कमीशन अगर घटा है तो MDRT का भी कमीशन का टारगेट कम करना चाहिए। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता दूँ कि जो कमीशन घटा है वो LIC का डिसीजन है, IRDA एंड LIC का डिसीजन है, और MDRT के जो टारगेट है वो इंटरनेशनल टारगेट है, राइट। सो इंटरनेशनल टारगेट एज इट इज रहते हैं, उसका डिसीजन कोई कंपनी नहीं लेती है, उसका डिसीजन जो है वो लेता कौन है, तो MDRT ऑर्गेनाइजेशन लेता है जो अमेरिका में बैठा है। तो चलिए, अब टारगेट तो वही है और उसी टारगेट के ऊपर में हमने काम करना है, हमने किस तरह से हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक चैनल के ऊपर में, एक पॉडकास्ट के ऊपर एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मुकेश भाई, कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा क्या। तो मैं हंस के बोला, चैलेंजेस किसको नहीं है, कदम कदम के ऊपर में चैलेंजेस है, लेकिन कभी भी मैं चैलेंजेस को चैलेंजेस करके नहीं पकड़ता हूँ, उसको मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी करके पकड़ता हूँ। तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि MDRT करने के लिए अभी आपको जो भी कमीशन की कटौती हुई है, लेकिन टारगेट MDRT का वही है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करके कमीशन अर्जित ज़्यादा करोगे, हालांकि उसका कॉम्पनसेशन अगले 4 सालों के अंदर में आपको मिल ही जाने वाला है, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, हमने काम करना चाहिए। अच्छा, अब कैसे करें, बहुत एजेंटों के मुझे फीडबैक आए, मैसेजेस आए, जब ये क्लोजिंग आई, मुकेश भाई पूरे जीवन में 10 साल का करियर है या 15 साल या 14 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले महीने में जो कमीशन आया, इतना कमीशन किसी एक महीने के अंदर में कभी ना आया, इतना मस्त काम हमने किया, सबने अच्छे अपॉर्चुनिटी। ये भी एक चैलेंजेस था कि सब बंद हो रहा है, और उस चैलेंजेस को लोगों ने अपॉर्चुनिटी करके, जिन्होंने समझा उन्होंने काम किया। हाँ, बट अभी भी काम चालू रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल की समझ लीजिए, किसी ने 1 लाख रुपया कमीशन अर्जित किया, लेकिन वो अगर अगले 3 महीने में बैठा रहा, हाथ के ऊपर हाथ धरे, ये क्या सिचुएशन हो गया, कैसा सिचुएशन हो गया, अगर आप इस तरह से बैठे रहोगे तो जरा सोचो क्या होगा। 4 महीने की एवरेज 25,000 की आ जाएगी, तो जहां थे वहीं के वहीं रहे। लेकिन अगर आपने
पिछले महीने में जो काम किया उसी जोश के साथ में अगर हम अभी भी काम करते रहेंगे तो कुछ मायने बनता है कि पिछले महीने में जो एडिशनल काम मिला वो आपको अच्छा मिला। 3 महीना अभी बाकी है, अब ये 3 महीने के अंदर में MDRT के लिए क्या किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी के अंदर में ये आता है कि आपको पता होना चाहिए कि MDRT के कमीशन के लिए आपको बैलेंस कमीशन कितना बाकी है, रिमेनिंग कमीशन आपका कितना बाकी है। सी अगर हम कोई एक टारगेट को लेना चाहते हैं, आज कितने सेमिनार्स होते हैं, उस सेमिनार्स के अंदर में मैं बोलता हूँ, जब पूछता हूँ कि समझो सामने 500 लोग बैठे, मैं पूछता हूँ कि चलिए आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या MDRT का कमीशन जो है वो कहाँ तक पहुँचा, एग्जैक्ट फिगर है क्या? हार्डली 10% लोगों के हाथ उठते हैं। इसका मतलब क्या है कि करना 100% चाहते हैं लेकिन ट्रैकिंग 10% लोगों की है, 90% लोग ट्रैक ही नहीं करते। तो सबसे पहला बात आता है कि आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, और ये MDRT का टारगेट जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, कैलेंडर ईयर में चलता है। तो इसलिए हमारे पास में 3 महीने हमारे पास में बचे हुए हैं। ये 3 महीने में आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना कमीशन अर्जित हुआ है और कितना कमीशन आपको अभी अर्जित करना बाकी है। दूसरा स्टेप, जितना कमीशन हमारा अर्जित करना बाकी है, राइट, इस कमीशन को आप डिवाइड कर लो 12 से, 12 से डिवाइड कर। मान के चलो आपका 3 लाख रुपया कमीशन अभी भी MDRT के लिए कम पड़ रहा है, तो आपने इसको डिवाइड बाय 12, अब डिवाइड बाय 12 क्या है, तो हमारे पास में 12 हफ्ते बचे हैं MDRT कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे 3 लाख अगर बचे हैं, डिवाइड बाय 12 अगर मैं करूँगा तो डेट विल बी 25,000 रुपीज़। ये 25,000 का कमीशन मुझे वीकली बेसिस पे मुझे कमाना है। एक आपको टारगेट मिल गया कि हफ्ते में मुझे 25,000 रुपया कमीशन कमाना है, ताकि महीने का 1 लाख होगा और 3 महीने के अंदर में 3 लाख रुपया होगा। तो पहली चीज़ बैलेंस कितना है, दूसरी चीज़ जितना भी बैलेंस है उसको हमने डिवाइड बाय 12 कर देना है, जो भी आपका कमीशन आता है। अच्छा, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब आपको ये भूल जाना है कि आपको 3 लाख कमाना है या महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुझे हफ्ते का 25,000 रुपया कमाना है। अगर मुझे हफ्ते का 25,000 रुपये मुझे कमाना है तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, अगर कमीशन अभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हमारा 20% हो गया है तो मुझे महीने का 1.25 लाख रुपया प्रीमियम मुझे लाना है। अब ये दिमाग में सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मुझे 1.25 लाख रुपया प्रीमियम मार्केट से लाना है, और उसका 20% जो है डेट विल बी 25,000 रुपीज़। अब इसके लिए मैं क्या करूँ, 1.25 लाख रुपया मुझे अगर प्रीमियम लाना है हफ्ते में, जरा सोचो, आपके पास पूरा 5 दिन पकड़ के चलो आप, ऐसे तो 7 दिन है, वर्किंग 6 दिन होना चाहिए, बट ठीक है, मुझे भी मालूम है सर्विसिंग है, कंप्लीशन है, ये है वो है, मैं 5 दिन आपको पकड़ के चलो कि 5 डेज मेरे हाथ में है, 5 दिन मेरे हाथ में है, और ये 5 दिन के अंदर मुझे 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम लाना है। दोस्तों बड़ी ईमानदारी से कहो, 5 दिन का मतलब है 8 घंटे के हिसाब से 40 घंटे होते हैं, 40 आवर्स। क्या 40 घंटे मार्केट में अगर हम टूट पड़ते हैं, अगर मार्केट में हम घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, फॉलोअप करते हैं, 40 घंटे अगर मैं काम करूं, जो करना ही चाहिए, सारी दुनिया करती है, तो 40 घंटे अगर मैं काम करूं तो क्या मैं मेरा अर्जित कमीशन जो है, जो मुझे चाहिए हफ्ते का, वो मैं ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि डिवाइड बाय 12 करो, अब मैंने 3 लाख का एग्जाम्पल दिया, आपका हो सकता है कि 3 लाख ही हुआ है और 7 लाख करना बाकी है, तो जरा हिसाब किताब आपका थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अगर ऊपर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर देते। सरेंडर मत करो यार, जो भी आता है मैं पूरी मेहनत तो करूँ, देखिए 40 घंटे मिल रहे हैं, और ये 40 घंटे अगर मैं ईमानदारी से काम करूँ तो मेरा जो भी टारगेट है उसके नज़दीक तो मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। और अगर ये आपने किया तो चलो जनवरी तक, दिसंबर तक आप कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जनवरी से आपका एक बहुत बढ़िया सफ़र आपका शुरू हो जाएगा। अब ये 40 घंटे के अंदर में मुझे ऐसे लोगों को मिलना है कि जो लोग मुझे 4 पॉलिसी दे, या 8 बेचूँ, या मैं 2 बेचूँ, या मैं 6 बेचूँ,
लेकिन जितना कमीशन मुझे चाहिए और जितना प्रीमियम मुझे चाहिए उतना प्रीमियम मेरे को वहाँ से आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर एक स्ट्रेटेजी बनाओ तो मुझे लग रहा है कि वर्कआउट डेफिनेटली हो सकता है और अच्छा वर्कआउट हो सकता है। अब इसके लिए मुझे जाके उनके सामने क्या बातें करना है, से अनेकों वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट ऊपर सेलिंग करना मेरी और करवाना ये मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। आज जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको भी मालूम है कि कॉन्सेप्चुअल सेलिंग जो है वो हमारा पावरफुल होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्चुअल सेलिंग के ऊपर में अगर हम काम करते हैं, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे हमारे एजेंट हैं कि जो मेरे पास से सीख के आज इतने अच्छे अच्छे आंसर देते हैं। अभी मैंने हमारे अमर ज्ञानी वाला COT एजेंट है जो ऑलरेडी COT इस साल का भी उनका हो चुका है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शेयरिंग किया था कि अगर कोई ये कहे कि पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बहुत कम आती है, चलो पहले 3 साल में होती थी, अभी 1 साल के अंदर में हो गई, हाँ बट ये तो होगा ना कि 1 साल में जितने पार्टी ने भरे हुए पैसे उतने तो वापस नहीं देगी, तो सरेंडर वैल्यू कम आती है। तो कुछ लोग पूछते हैं ना सरेंडर वैल्यू कम क्यों, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैंने पार्टी को कहा कि सर अगर आप सूरत से निकले हो दिल्ली जाने के लिए और अगर आप रतलाम में उतर जाते हो तो क्या आप इंडियन रेलवे के पास से रिफंड मांगते हो? आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, आप उतर गए हो, वो तो दिल्ली पहुंचा रही है। तो उसी तरह से अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और आप चाहते हो कि 4 साल के बाद में वापस पैसे मिले, तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने 20 साल तक भरना था, आप 4 साल ही भरे तो कम तो मिलेगा। तो अगर हम पावरफुल वे से लोगों को टैकल कर सकते हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ें अभी हमारे पास है वो लेके लोगों के पास जाइए, मिलना मत छोड़िए, ब्रेक मत दीजिए। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे, ब्रेक दे देंगे। ब्रेक किस चीज़ का दे देंगे? सोचेंगे, समझेंगे। अरे भाई वो सब चलते चलते पार्टी के सामने भी समझाया जा सकता है, पार्टी के सामने भी समझा जा सकता है, पार्टी के सामने भी ये सब डिस्कशन किया जा सकता है। जो अच्छा है हमारे पास में वो लेके जाके हमने लोगों के सामने रखना है। अच्छी चीज़ है कि सरेंडर जो है वो अभी पहले साल में भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का हमने कोई चर्चा बहुत डिटेल में करना चाहिए। हमने पार्टी को उसने पॉलिसी क्यों लेना चाहिए इसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपका किसी भी पार्टी का आपने क्यों क्लियर कर दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा, राइट? उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। बस ये वीडियो का मेरा मकसद और पर्पज़ एक ही है कि आप एक फिनिक्स पंखी के जैसे आप उठिए और आप काम के ऊपर में लगिए। अनेकों मेरे प्रोग्राम आ रहे हैं, MDRT जर्नी मैं जनवरी से शुरू कर रहा हूँ, डेफिनेटली ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी अच्छी 12 महीने की स्ट्रेटेजी मैं उसके अंदर में देता हूँ। ऑफलाइन प्रोग्राम लेके भी अभी मुंबई के अंदर में मैं 14 तारीख को MDRT की पूरी स्ट्रेटेजी का 2 घंटे का 2.5 घंटे का मेरा प्रोग्राम है। अगर आप मुंबई के आसपास है तो ज़रूर उसको भी अटेंड कीजिए। बेसिक कोर्स के लिए मैं दिल्ली में पहुंच रहा हूं, और बेसिक कोर्स जिनको भी करना है तो 17, 18, 19 कोर्स दिल्ली में ज्वाइन कर लीजिए बेसिक कोर्स को। आज बहुत लोग मुझे पूछते हैं मुकेश भाई बेसिक कोर्स कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो नीचे जो नंबर दिए है उस नंबर के ऊपर मैं आपको कॉल करना है या एक मिस कॉल आपको मार देना है, क्योंकि वो नंबर 9 to 5 चलता है, राइट? सो उसके बाद में आप मिस कॉल कर दीजिए तो सुबह में 9 बजे से 5 बजे के बीच में आपको डेफिनेटली फ़ोन आ जाएगा और जो भी इंक्वायरी आपको करनी है वहां पर कर सकते हैं। नया प्लान, नई स्ट्रेटेजी को लेके 2 घंटे का एक ऑनलाइन सेमिनार लेके आ रहा हूं मैं 10 तारीख को शाम को 7 से 9 बजे। खाली ₹200 है। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से वैल्यू मिली है और ₹200 आप खर्च कर सकते हो, तो ये 2 घंटे में आप इन्हीं चर्चा को जो अभी आपने MDRT के बारे में सुना उसी चर्चा को 2 घंटे तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो ₹200, नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाइए, या तो जो नंबर दिया वहाँ पर कॉल कीजिए, आपको लिंक इमीजिएटली मिल जाएगा और पेमेंट कीजिए और अपने सीट को रजिस्टर कीजिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 21, 22 और 23 अक्टूबर को IOE का एक महाकुंभ मेला जिसको मैं कहता हूँ, और वो शुरू हो रहा है षणमुखानंदा ऑडिटोरियम के अंदर में, और सारा पैक हो चुका है,
खाली आपको बालकनी के अंदर में अगर जगह है तो आप चेक कीजिए, और इसके लिए भी आपको इंक्वायरी करनी आप जरूर कीजिए। 3 दिन का आप सोचिए एक ऐसा सम्मेलन कि जहां पर 3-3 हजार एजेंट लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हम पिछले 19 सालों से ये सम्मेलन इस तरह से हम करते आ रहे हैं। सो वी आर लेजेंड, एंड डेफिनेटली अगर कोई भी इस तरह के सेशंस अटेंड करो, लेजेंड के साथ अटेंड करो, और पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने काम को बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।